पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ईबुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ईबुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इन्फॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ईबुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 9172611443 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक। पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करनी है लेकिन कंफ्यूज हो, ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग करनी है या फिर देसी पोल्ट्री फार्मिंग करनी है, किसमें है सबसे ज्यादा मुनाफा? तो चलो आज की इस वीडियो में वही सवाल का जवाब हम ढूंढते हैं। वीडियो शुरू होने के पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन से ही हमें और अच्छे पोल्ट्री के रिलेटेड वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिलता है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले चिक्स का रेट, ब्रॉयलर के हम चिक्स के रेट की अगर बात करें तो 20 रुपये से लेकर 50 रुपये के रेंज में आपको ये चिक्स मिल जाएगा। डिपेंड करता है कि सीजन कौन सा चल रहा है। समर के मौसम में ब्रॉयलर का चिक्स का रेट 45 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये तक के पहुँच जाता है। वही ठंड के मौसम में और बरसात के मौसम में ये चिक्स का रेट आपको 20 रुपये से लेकर 30 रुपये के रेंज में मिल जाएगा। वही अगर गावरान की बात करें तो गावरान में बहुत सारी ब्रीड्स आती है। गावरान की कौन सी ब्रीड आप इस्तेमाल कर रहे हो उस पर उसका रेट डिपेंड करता है। लेकिन नॉर्मली गावरान पोल्ट्री फार्मिंग करते समय डीपी, डीपी क्रॉस और ग्राम प्रिया, ये तीन प्रकार की नस्ल सबसे ज़्यादा पाली जाती है, तो ये तीनों का भी रेट तकरीबन सेम है। अगर नागपुर रीजन की हम बात करें जहाँ पर मेरा पोल्ट्री फार्म है, अगर आप वहाँ पर 1000 डीपी चिक्स, देसी चिक्स बुलवा रहे हो तो जो भी फीड डीलर होता है वो डायरेक्टली 22 रुपये में हमारे पोल्ट्री फार्म पे होम डिलीवरी पहुँचवा देता है देसी चिक्स की। मैंने बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर से बात की है जो अलग अलग एरिया में बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने बताया कि किसी ने 24 बताया, किसी ने 26 बताया, तो आप मान के चलिए 22 रुपये से लेकर 26 रुपये का रेट इसका वेरिएशन करता है। इसमें कोई भी सीजन का फंडा काम नहीं करता, फिक्स रेट होता है इसका। बाई चांस अगर किसी कारण से अगर इसकी वैकेंसी या फिर इसकी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई और चीज़ का सप्लाई बहुत कम हो गया, ठीक है ना, बहुत सारे हासिल अगर किसी कारण से प्रोडक्शन नहीं कर रहे, तभी इसका रेट 5 रुपये से लेकर 6 रुपये से बढ़ जाता है। नहीं तो साल भर इसका रेट फिक्स और कॉन्स्टेंट ही रहता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो ब्रॉयलर की इम्यूनिटी भैया कुछ बोलने का नाम ही नहीं है। ब्रॉयलर में इम्यूनिटी नाक के बराबर ही होती है, ऐसा ही समझ लो। अगर गावरान के साथ उसके कंपेयर कर रहे हैं तो इम्यूनिटी होती है, लेकिन गावरान के साथ अगर कंपेयर किए तो भाई नहीं होती, ऐसे ही समझ लो। ब्रॉयलर में इम्यूनिटी इतनी लो होती है कि भाई जो चिक्स और जो बैच ब्रॉयलर की आप रात को देख रहे हो, सुबह को जाकर उस बैच को अगर देख रहे हो, किसी कारण से उसमें अगर डिसीज, वायरल या फिर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो आप पहचान नहीं पाओगे कि शाम को मैंने इसी ब्रॉयलर के बैच को देखा था जो एकदम तरोताजा थी, आज सुबह को देख रहा हो तो एकदम सूखी सूखी सुकड़ेली पूरी मरे समान हो जा रही है। वही अगर गावरान की बात करें तो भैया माशाल्लाह इम्यूनिटी के नाम तो एकदम इम्यूनिटी इसकी एकदम हाई लेवल की होती है। आप उसको डिसीजेस भी हुए तो एकदम से ढीली नहीं गिरती मुर्गी, 7-8 दिन आराम से वो सर्वाइव कर लेती है। इम्यूनिटी इसकी अगर टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हो रहा है, सीजन भी चेंज हो रहा है, फिर भी इसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा होती है। उसका सबसे मेन कारण ये है कि ये जो देसी ब्रीड होती है ना जो तैयार की जाती है आचरी में, तो वो नॉर्मली जो हमारे इंडियन ब्रीड्स होती है उसी के साथ इसको क्रॉसिंग किया जाता है, इसलिए उसकी इंडियन इन्वायरमेंट के साथ बहुत ही ज़्यादा वो मिलती जुलती रहती है या फिर उसको बहुत ही ज़्यादा वो सहन कर सकती है। तो आप समझ गए होंगे कि इम्यूनिटी के मामले में गावरान एकदम हाई क्लास होती है। उसके बाद हम बात कर रहे थे भैया प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है। ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग करते समय, गावरान पोल्ट्री फार्मिंग करते समय हमें खर्चा कितना आएगा, तो आपको एक मोटा मोटा अंदाज़ा दे देता हूँ, क्योंकि ये डिटेल वीडियो बनाना चालू कर दूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। डिटेल वीडियो अगर आपको चाहिए कितना प्रोडक्शन कॉस्ट आती है ब्रॉयलर की और गावरान की, तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिए, आपको वहाँ पर डिटेल वीडियो मिल जाएगी। उसको ब्रॉयलर को 2 किलो का वजन गेन करने के लिए 3 किलो खाना खाना पड़ेगा। अभी हाल ही फिलहाल के मार्केट के रेट के हिसाब से 34 रुपये किलो फीड का रेट चल रहा है गावरान का, और तकरीबन ब्रॉयलर दोनों का भी सेम ही है। तो उस हिसाब से 34 रुपये किलो मल्टीप्लाइड बाई 3 किलो इजिकल 102 रुपये लग जाएंगे। 30 रुपये का चिक्स एवरेज रेट पकड़िए, इजिकल हो गया 102 प्लस 30 रुपये, 132 रुपये, और 8 रुपये अदर जो एक्सपेंस होता है वो होगा, जैसे कि लीटर हो गया, मेडिसिन, वैक्सीन और दूसरा कुछ खर्चा, तो हो गया 8 रुपये। 132 रुपये प्लस 8 रुपये इजिकल टू 140 रुपये उसका प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया एक मुर्गी के पीछे, मतलब 1000 की मुर्गी के पीछे आपको 1,40,000 रुपये लग जाएंगे। वही अगर हम गावरान की बात करें
तो उसमें भी सेम 3 किलो 300 ग्राम दाना खा के 1 किलो की मुर्गी बनेगी, और मार्केट में भी आपको 1 किलो से लेकर 1200 ग्राम में ही उसको सेलेक्ट करना है। तो 34 रुपये मल्टीप्लाइड बाई 3 किलो 300 ग्राम 1 मुर्गी को दाना लगेगा इज इक्वल टू 112 रुपीज प्लस 22 रुपये का आपका चिक्स गिर जाएगा। तो 112 रुपये प्लस 22 रुपये इज इक्वल टू 134 रुपीज। तो उसके बाद आपको 6 रुपये दूसरा खर्चा लगेगा लीटर मेडिसिन और वही इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह पकड़ के 6 रुपये लग जाएगा एक मुर्गी के पीछे। तो वो हो गया 134 रुपये प्लस 6 रुपये इज इक्वल टू 140 रुपये। तो इस समान इसको भी 140 मल्टीप्लाइड बाई 1000 के बैच के लिए आपको 140,000 रुपये लगेगा। मतलब इस मामले में दोनों भी तो प्रोडक्शन कॉस्ट सेम लगेगा आपके जेब में भाई। 140,000 रुपये लेकर 1.5 लाख का प्रोडक्शन कॉस्ट होनी चाहिए, तभी आप 1000 की बैच डलवा सकते हो। उसके बाद बात कर ले भाई, आपने तो सब झोल झमेला बता दिया, सबसे मेन पॉइंट पे आओ, प्रॉफिट प्रॉफिट कितने ज़्यादा है वो बताओ भाई पहले। तो चलो हम प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। 140,000 के प्रोडक्शन कॉस्ट में आपकी 1000 मुर्गियाँ 2 किलो का वजन गेट करेगी, उस माफिक 1000 मल्टीप्लाइड बाई 2 किलो आपकी तरफ मुर्गियाँ तैयार हो जाएगी। उसमें समझ के चलो 140,000 में आपका 2000 किलो प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब 70 रुपये 1 किलो के पीछे आपका प्रोडक्शन कॉस्ट गिर रहा है ब्रॉयलर के लिए। वही मान के चलो 70 रुपये किलो प्रोडक्शन कॉस्ट गिर रहा है। अगर हाईएस्ट आपको 90 रुपये भी मिल गया होलसेल रेट, भैया जैसे समझ के चलो होलसेल रेट तो उतना मिलता नहीं, लेकिन चलो समझ के चलो मिल गया, क्योंकि होलसेल रेट जितना भी खुला आपके रेट में उसमें भी 7-8 रुपये माइनस में आपसे होलसेलर वाले माल लेके जाते हैं। लेकिन चलो मान के चलो, मानने में क्या जा रहा है, तो 2000 मल्टीप्लाइड बाई 20 रुपये आपकी मार्जिन होगी, क्योंकि 70 रुपये किलो प्रोडक्शन कास्ट है और 90 रुपये किलो आपको रेट मिल गया। तो 2000 मल्टीप्लाइड बाई 20 रुपये इज इक्वल टू 40,000 रुपये आप मुनाफा कमा सकते हो। वही अगर हम गवर्न की बात करें तो उसमें भी 140 रुपये का माल आप 180 रुपये में नॉर्मल और एवरेजली बेच सकते हो, तो उसमें भी आप 40,000 रुपये प्रॉफिट निकाल सकते हो, ठीक है ना। 140 का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो आपने 180 में बेचा, तो उसमें भी आप 40,000 रुपये बेच सकते हो। लेकिन ये दोनों भी एक बात ध्यान से सुनिए, आप वीडियो पूरा देखते नहीं हो और उसके बाद फटाफट वीडियो के नीचे कमेंट करते हो, भाई पूरा वीडियो पहले देखिए, आपके किसी भी सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये मैं जो दोनों की भी प्रॉफिट की रेंज की बात कर रहा हूँ, ये दोनों भी डिपेंड करती है कि आपके माल को रेट कितना मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे भी पोल्ट्री फार्मर है जिनके गावरान की प्रोडक्शन कॉस्ट 130 रुपये है और उनका होलसेल में वो माल 140, 145 या 150 में बेच देते हैं। तो भाई उस समय में 1000 मुर्गी के पीछे प्रोडक्शन का 140 रुपये है और 150 में बेच रहे हो, तो भैया 10,000 कमाओगे 1000 मुर्गी के पीछे, क्योंकि 10 रुपये ही आपको 1 किलो के पीछे मिल रहे हैं। लेकिन गावरान पोल्ट्री फार्मिंग करते समय आपके बाउंडेशन नहीं है, आपने अगर बहुत बड़ी बैच डलवाई हुई है तो ही आपको होलसेल में बेचनी है। अगर आपके पास बैच कम है तो आप चिल्लर में उसको 220-230 रिटेलर को चिल्लर में माल अपने हिसाब से बेच सकते हो और अपना प्रॉफिट कमा सकते हो। तो ये मेरी बात ध्यान में रखिएगा, और ठीक है उसके बाद हम बात कर लेते हैं टाइम की। टाइम कितना लगेगा भाई बॉयलर के लिए, भैया तकरीबन 2 महीना लगता है। वैसे तो आपका 35 से लेकर 38 दिनों में 2 किलो का माल बन जाता है, उसके बाद 2 दिन में आप माल सेल आउट कर लेते होगे 40 दिन। लेकिन नई बैच आने के पहले पोल्ट्री की क्लीनिंग और नई बैच बुलाने के ऑर्डर प्लेस करने के बाद नई चिक्स आने तक के आपको 20 दिन का टाइम स्पेंड चला जाता है। तो इसको राउंड फिगर में आपको 2 महीने में एक बैच पकड़ के चलिए। वही अगर हम गावरान की बात करें तो भैया 3 महीने में आपका माल बन जाता है, क्रॉसिंग का माल होगा तो 75-80 दिन में माल बन जाएगा। 20 दिनों में आप माल सेल आउट कर दोगे, क्योंकि गावरान की मार्केट उतना ज़्यादा नहीं होता, तो आपको माल बेचने के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। ऑर्डर पेस आउट कर दिया तो उसको आने के लिए और उसके आने के पहले जो भी मैनेजमेंट कराना होता है, क्लीनिंग करना होता है, उसके लिए भी 20 दिन चले जाएंगे, मतलब 30 ये हो गए 3 महीना। और साथ ही साथ 10-15 दिन बेचने के लिए और 10-15 दिन नए चिक्स आने के लिए और साथ ही साथ क्लीनिंग करने के लिए, तो इसको भी 4 महीना लग जाएगा। तो आपने समझ लिया, 2 महीना ब्रॉयलर के लिए लग जाएगा एक बैच के लिए और 4 महीना गावरान के लिए लग जाएगा। जल्दबाजी नहीं करना है, अगर पोल्ट्री फार्मिंग जल्दी जल्दी करने की सोचोगे, ज़्यादा बैचेस 1 साल में निकालने की कोशिश करोगे तो भैया जल्दबाजी करोगे तो मुंह के खाओगे। हमेशा याद में रखे, एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ, अगर नहीं सुननी तो खुद एक्सपीरियंस कीजिएगा और लॉस करवा लीजिएगा खुद का, उसके आगे क्या बोल सकता हूँ। उसके बाद लगेगा भाई मार्केट के बारे में बात कर लेते भाई। मार्केट ब्रॉयलर का तूफान है, इस मामले में ब्रॉयलर किंग है। अगर आप 3,000, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 बर्ड की भी बैच बॉयलर की डलवा रहे हो तो भैया आपका 2, 3, 4, 5 दिनों में पूरा माल सेलॉट हो जाएगा, 101% गारंटेड। वही अगर हम गावरान की बात करें तो बॉयलर का जैसे मार्केट गावरान का नहीं है। अगर आप 2,000, 3,000, 5,000 का भी गावरान का बैच डलवा रहे हो तो थोड़ा सा आपको मुश्किल जाएगा एज़ कम्पेयर टू बॉयलर। पहले आप डालने के इतनी बड़ी बैच डालने के पहले आप पहले रिटेलर और आपके एरिया के होलसेलर की कैपेसिटी चेकआउट कर लीजिए, तभी जाकर आप गावरान की इतनी बड़ी बैच डालिए, ठीक है। उसके बाद भाई हम बात कर लेते हैं मैनेजमेंट की। भैया मैनेजमेंट का दूसरा नाम ही होता है बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग का दूसरा नाम ही है मैनेजमेंट। वही अगर हम गावरान की बात करें तो जितनी मैनेजमेंट आप बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग में करते हो उसके आधी भी आपको
मैनेजमेंट आपके गवर्नमेंट पोल्ट्री फार्मिंग में नहीं करना पड़ेगा। वही अगर ब्रॉयलर की बात कर ले तो भाई लीटर मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, मेडिसिन मैनेजमेंट, टेम्परेचर मैनेजमेंट, विंटर मैनेजमेंट, समर मैनेजमेंट, मानसून मैनेजमेंट, अरे भाई बोलते बोलते पूरा थक गया भाई, इतने सारे मैनेजमेंट करना पड़ता है, ठीक है ना। बात बात पर मैनेजमेंट करना पड़ता है। अगर मैनेजमेंट नहीं करोगे तो मैंने इसके पहले भी बोला है, जो मुर्गी आप रात को देख रहे हो सुबह को जाकर चेकआउट करोगे तो भाई पूरी ठंडी होकर रहेगी। अगर वही अगर गावरंग की हम बात करें तो मैनेजमेंट के नाम पर उसको अच्छे से उसको दो टाइम फीड देना होता है, और जब तक चिक्स 20 या 25 दिनों तक होता है, ब्रीडिंग पीरियड होता है, तब तक उसकी केयर कर ले। उसके बाद जैसे ही वो 400-300 ग्राम का हो जाता है उसके बाद उसका मैनेजमेंट ना के बराबर आपको करना होता है। उसके बाद सबसे मेन पॉइंट आता है भैया, इतनी सारी तो बातें आपने बता दी, सबसे मेन पॉइंट बता दो भैया, आप ही बता दो अभी, इतनी सारी बातें बता रहे हो कि तुम कौन सी पोल्ट्री फार्मिंग करें। देखो भाई एक लाइन में क्लियर कर लेता हूँ आपको, कौन सा पोल्ट्री फार्मिंग आपको करना चाहिए। ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग करते समय उसका जो रेशियो है प्रॉफिट इज टू लॉस का, वो होता है 6:4। मतलब आप कोई 10 बैचेस डलवा रहे हो तो गारंटेड आप लिखवा लो 6 बैचेस में आप प्रॉफिट कमाओगे, जो बची 4 बैचेस की उसका मैं बता देता हूँ, 3 बैचेस आप न्यूट्रल रहोगे, ना प्रॉफिट खाओगे ना लॉस खाओगे, और 1 बैचेस में आपको लॉस होगा 101%। बची वाले 3 बैचेस को भी आपको लॉस ही पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि तो आपने 2 महीना उसमें काम किया है भाई, लेकिन आपने उसमें कुछ भी आउटपुट नहीं कमाया तो वो लॉस में कंसिडर होगा। तो आप ही समझदार हो कि 6:4 रेशो कोई भी फायदेकारक नहीं है, 6 बैचेस में प्रॉफिट और 4 बैचेस में लॉस। वही अगर हम गावरंग की बात करें तो भाई वही रेशो प्रॉफिट इज टू लॉस का 9:1 है। मतलब 10 बैचेस में 9 बैचेस आपकी प्रॉफिट की रहेगी, एक बैच बाय चांस लॉस खाओगे, वो भी मैं बोल रहा हूँ बाय चांस, वरना इसको तो मैं 10 आउट ऑफ 10 ही देने वाला था, लेकिन बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे भाई 10 आउट ऑफ 10 तो बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए बोल रहा हूँ 9:1, ठीक है ना। तो भैया पोल्ट्री फार्मिंग करनी है तो गावरंग की पोल्ट्री फार्मिंग करो, जिनके पास लिमिटेड पैसा और स्टार्टिंग पे से शुरू करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग मत करो, आपके पास अच्छा खासा प्रॉफिट है आप है तो ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग करो भैया। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में कर रहे हो तो ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग में भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। तो आई थिंक आपको पूरा का पूरा माजरा समझ में आ गया होगा कि अभी ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग करनी है या फिर गावरंग पोल्ट्री फार्मिंग करनी है। इसी तरह से पोल्ट्री फार्मिंग के रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो एक काम कीजिए, सबसे पहले हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको पोल्ट्री के रिलेटेड हर एक वीडियो मिल जाएगी, आपके हर सवाल का जवाब आपको वहाँ पर मिल जाएगा। देखो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो दिल से लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह के पोल्ट्री का नॉलेजफुल वीडियो लेकर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।